हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। कल का टॉपिक था हेल्थ एजुकेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन जिसका अगला पॉइंट है। इसके अंदर तीन टाइप्स के मेथड होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल अप्रोच, द नेक्स्ट आता है ग्रुप अप्रोच एंड थर्ड आता है मास अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर हम पढ़ते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया, होम विजिट हो गया या पर्सनल लेटर्स हो गए। ग्रुप अप्रोच के अंदर हम पढ़ते हैं लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मास अप्रोच। मास अप्रोच जैसे कि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं मास मीडिया के बारे में। मास मीडिया के बारे में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इन चीज़ों के बारे में। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्टर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है उसमें पहले। देन हम वापस आते हैं इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर। इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर हम वापस आएंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्सनल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले ये सब इंडिविजुअल अप्रोच होती है वो इंडिविजुअल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इंडिविजुअली आप किसी व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन अच्छे से दे सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू, या डॉक्टर से अपन कंसल्ट करते हैं तब, या हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, या होम्स ऑफ पीपल हो गए, लोगों के घर हो गए। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, या तो उसके घर आके या फिर हेल्थ केयर सेंटर पर। तो उसके पास डॉक्टर के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि वो उसको एजुकेट करेगा उसकी डाइट के बारे में, नेचर ऑफ इलनेस के बारे में, कॉज ऑफ इलनेस के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में, और पर्सनल हाइजीन के बारे में, इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में वो उसको एजुकेट करेगा। तो इन सब के साथ क्या करेगा कि वो उसकी फैमिली के साथ कैसे डील करना है, उसकी इंडिविजुअल और उसकी फैमिली के साथ कैसे डील करना है इफ़ेक्टिवली, और उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती है, उसे एजुकेट किया जाता है। जो नर्स होती है वो हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है नर्स के पास। तो वो क्या करती है कि अपना वर्क कर सकती है होम्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। जो पब्लिक हेल्थ नर्स होती है वो हेल्थ विजिटर्स एंड हेल्थ इंस्पेक्टर्स एंड विजिटिंग हैंडलर्स ऑफ होम्स के अंदर भी हेल्थ एजुकेट कर सकती है। देन नेक्स्ट, इसके जो एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ टीचिंग क्या है कि आप किसी के साथ पर्सनली, किसी को इंडिविजुअली आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो आपसे कम्युनिकेट करके क्वेश्चंस पुटअप करे, स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिखाए, आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिखे। ये सारी चीज़ें आती है इंडिविजुअल अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट आएगी ग्रुप अप्रोच। ग्रुप अप्रोच के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन हो गए, या मदर का ग्रुप हो गया, या इंडिविजुअल वर्कर्स का ग्रुप हो गया, या बहुत सारे पेशेंट्स हो गए, ये सारे जो हैं वो आप इसके अंदर क्या करेंगे कि ग्रुप टीचिंग देंगे। ग्रुप टीचिंग अगर आप किसी कम्युनिटी को दे रहे हैं, ग्रुप एजुकेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, टॉपिक चूज़ करने पड़ेगा, जिससे कि ग्रुप है वो इंटरेस्ट के साथ एजुकेट आपकी बात को सुने और आप अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। तो उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि उसको चाइल्ड बर्थ के बारे में, बेबी केयर के बारे में समझाएंगे। तो वो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन अगर आपको स्कूल चिल्ड्रन को एजुकेट कर रहे हैं तो उसको आप ओरल हाइजीन के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, और कोई इंडिविजुअल वर्कर है उसको एक्सीडेंट के बारे में समझाएंगे, एजुकेट करेंगे। तो ये सारे सूटेबल मेथड्स होते हैं जो जो कि एजुकेशन जिसको अपन एजुकेट कर सकते हैं एवी एड्स के द्वारा, लाइक ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि सक्सेसफुल ग्रुप हेल्थ एजुकेशन है, जो आप पोस्टर्स चार्ट्स के द्वारा आप एजुकेट कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसी के अंदर लेक्चर।
लेक्चर के अंदर आएगा कि लेक्चर होगा वो केयरफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन होती है और फैक्ट होता है जो कि ऑर्गेनाइज थॉट्स और आइडियाज़ बाय क्वालिफाइड पर्सन। लेक्चर जो होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे कि जो प्रेजेंटेशन होगी और जो फैक्ट्स होंगे ये सारी प्रिपेयर्ड होगी केयरफुली। केयरफुली प्रिपेयर्ड होने के बाद आप उसको ओरली प्रेजेंट करेंगे और ओरली प्रेजेंट के साथ आप उसमें चार्ट्स डाल रहे हैं, आप उसमें पिक्चर्स डाल रहे हैं, आप उसमें वीडियोस डाल रहे हैं, आप उसमें इमेज डाल रहे हैं, जिससे कि वो आपके लेक्चर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहा है। अगर आप 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू बोल रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी इफ़ेक्टिव वे नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, तो आपका लेक्चर बोरिंग होगा, लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे नहीं, आप अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो आपको उसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स डालने पड़ेंगे, चार्ट्स की सीरीज़ डालनी पड़ेगी और ये सारे डालने के बाद आप उसको ब्रीफ में सबको एजुकेट करेंगे, समझाएंगे और ये जो प्रोसीजर है वो उसको प्रोसीड करेंगे, तो लोगों इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, समझेंगे। इन सब के बाद में आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि आप बोल सकते हैं एक प्रकार का प्रमाण या फिर प्रूफ बोल सकते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, एक केयरफुली प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन होती है जो आपके स्किल्स को और आप प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको बताता है। जो जैसे एक प्रोसीजर है लंबर पंक्चर का जो कि, या फिर डिसइंफेक्शन है, तो उसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। देन और आप क्या करेंगे कि कोई भी ड्रामेटिक इवेंट्स चल रहा है तो ड्रामास बाय अराउजिंग इंटरेस्ट, ऐसा ड्रामा जिसमें कि इंटरेस्ट पैदा हो। देन नेक्स्ट आएगा कि प्रिश्यूड द ऑन लुक्स ऑफ एडॉप्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस या अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑन स्क्रीनिंग इज बिलीविंग द लर्निंग बाय डूइंग। ये सारी चीज़ें आती है डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, या डेमोन्स्ट्रेशन एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हैज़ बिन फाउंड टू हैव अ हाई एजुकेशनल वैल्यू इन प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स होती हैं उनकी एजुकेशनल वैल्यू को बढ़ा देता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है या इंस्टॉलेशन ऑफ अ हैंडपम्प हो गया, या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया टू कंट्रोल अ डिजीज़ जैसे कि स्कैबीज हो गया, या क्लिनिकल टीचिंग हो गया इन हॉस्पिटल, जो कि ये सारी चीज़ें भी डेमोन्स्ट्रेशन पे बेस्ड होती है और ये मेथड्स होते हैं वो हाई मोटिवेशनल वैल्यू रखते हैं। देन आएगा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के अंदर आप पढ़ेंगे ग्रुप मेथड, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार, रोल प्लेइंग, ये सारे डिस्कशन मेथड्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ जिसमें कि क्या है कि 5 से 6 लोग या 6 से 12 लोग हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं एक राउंड, एक सर्कल के अंदर, जिसमें कि सारे एक दूसरे को आराम से देख सकते हैं। इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल को अपनी थॉट्स, अपने थॉट्स रखने का सबको अधिकार होता है। सब अपने थॉट्स रखते हैं, सबके साथ डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योरीज़ को। तो ये सारे ग्रुप डिस्कशन की एक इमेज है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है। देन ग्रुप डिस्कशन होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुप डिस्कशन इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। ग्रुप डिस्कशन एक इंटरेक्शन होता है लोगों का फेस टू फेस, और वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। हेल्थ कम्युनिकेशन का बहुत ही इफेक्टिव मेथड होगा। प्रोवाइड अ वाइडर इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स दैट इज़ पॉसिबल विद अदर मेथड। ये जो कि बहुत बड़ा लेवल पर इंटरेक्शंस होता है मेंबर्स का, जो एक जो कि बाकी मेथड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन क्या होगा कि इसके अंदर 6 से 12 मेंबर्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, सीटेड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बैठेंगे। ईच इज़ फुली विजिबल टू ऑल अदर, सारे एक दूसरे को देख सकते हैं। ग्रुप लीडर क्या करेगा, सब्जेक्ट को इनिशिएट करेगा, हेल्प करेगा डिस्कशन में प्रॉपर मैनर में, प्रिवेंट करेगा साइड कन्वर्जेशन को, एनकरेज करेगा एवरी पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपनी अपनी
डिस्कशन के अंदर अपने अपने थॉट्स रखे और इन सब का जो सम होगा वो डिस्कशन का एंड होगा। देन हम बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन में रूल्स ऑफ मेंबर्स क्या होंगे कि रूल्स ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड कंसाइजली, देन लिसन टू व्हाट अदर से, हम सुनेंगे कि दूसरा वाला क्या बोल रहा है ग्रुप के अंदर, और अगर कोई ग्रुप के अंदर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा उसके अंदर इंटरप्रेट नहीं करेगा, बीच में नहीं बोलेगा। मेक ओनली रिलेवेंट रिमार्क्स, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली एंड हेल्प टू रीच कंक्लूजन, और ये डिस्कशन हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। देन हम आते हैं पैनल डिस्कशन पर, ये है पैनल डिस्कशन की एक इमेज। इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे 5 से 6 मेंबर्स है जो कि एक ऑडियंस, जो कि बहुत सारी ऑडियंस के सामने डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स या कोई भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैनल डिस्कशन में 4 to 8 मेंबर्स होते हैं क्वालिफाइड, जो कि डिस्कस करते हैं अबाउट प्रॉब्लम और टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप और ऑडियंस, एक लार्ज ग्रुप या ऑडियंस के सामने बैठ के वो डिस्कस करते हैं आपस में। पैनल कंप्रोमाइज ए चेयरमैन ऑफ अ मॉडरेटर फ्रॉम 4 to 8 स्पीकर्स, जिसमें 4 से 8 स्पीकर्स होते हैं। सक्सेस ऑफ अ पैनल डिस्कशन डिपेंड ऑन चेयरपर्सन, चेयरपर्सन पर डिपेंड करती है, जो कि कीप द ट्रेन ऑफ थॉट्स ऑफ ट्रैक, जो कि थॉट्स की ट्रेन को ट्रैक पर लाता है। डिस्कशन शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल, स्पॉन्टेनियस और नेचुरल होना चाहिए डिस्कशन। देन आएगा सिम्पोजियम, सिम्पोजियम है सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन अ सेलेक्टेड सब्जेक्ट, सेलेक्टेड सब्जेक्ट की सीरीज होती है जो जिसके बारे में बोला जाता है। ईच पर्सन और एक्सपर्ट प्रेजेंट एन एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ब्रीफली, जो भी एक्सपर्ट है या कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या ईच पर्सन है वो सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफली बताएगा। नो डिस्कशन अमंग द सिम्पोजियम मेंबर्स, सिम्पोजियम मेंबर्स को लेके कोई डिस्कशन नहीं होगा। चेयरपर्सन मेक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी एट द एंड। नेक्स्ट आएगा वर्कशॉप, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग, यूजुअली 4 or more विद द एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क विद इन द ग्रुप विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट एंड रीअश्योर पर्सनल। लर्निंग टेक प्लेस इन अ फ्रेंडली हैप्पी एंड डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। देन आएगा रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग आएगा ड्रामा इन विच अ सिचुएशन ऑफ ड्रामेटाइज बाई अ ग्रुप या ऑडियंस इज एक्टिवली कंसर्न विद द ड्रामा, सिंपैथेटिक अटेंशन टू वॉट इज गोइंग ऑन और सजेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर। द साइज ऑफ द ग्रुप 25 और बेस्ट ऑफ स्कूल, रोल प्लेइंग का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो स्कूल्स के अंदर होगा। देन सेमिनार्स, ए ग्रुप ऑफ पर्सन गैदर्ड फॉर अ पर्पज ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट अंडर लीडरशिप ऑफ एन एक्सपर्ट और लर्न पर्सन। देन दे आर नॉर्मली आइडेंटिफाइड विद लर्निंग इंस्टीट्यूशन, द पार्टिसिपेंट ब्रिंग विद देम अ बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया। देन आएगा कॉन्फ्रेंसेज, द कंपोज ऑफ 2 to 50 रिप्रेजेंटिंग सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस departments or point of view within the organization meet other exhibit a common interest or present 2 or more sides of their problems, the gather information or discuss mutual problems with a responsible solution as the desirable end, the various phases of the problem